तीन मैच लगातार हारने के बाद रविंद्र जडेजा हो गए बहुत ही ज़्यादा भावुक। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लगातार तीन मैच कैसे हार गए, क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं सही हो रहा है टीम में जिसकी वजह से आप तीन मैच लगातार हार गए, तो रविंद्र जडेजा बोले कि हमारा इस टाइम बैड लक चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है हमारे टीम में, हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, बैटिंग ऑर्डर उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ऋतुराज गायकवाड बहुत ही अच्छे प्लेयर है पर वो इस टाइम बैटिंग में फॉर्म में नहीं है, उनकी उतनी अच्छी बैटिंग नहीं चल पा रही, वो जल्दी आउट हो जा रहे हैं जिससे अच्छा स्टार्टअप नहीं मिल पा रहा है हम लोग की बैटिंग में, और इसलिए हम लोग का विकेट बहुत ही जल्दी चले जा रहे हैं और बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, हम लोग की बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ सुधार करना है जिससे हम लोग वापस कमबैक कर पाए, पर हम लोग जरूर से नेक्स्ट मैच जरूर से जीतेंगे और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें पर हमसे उतना हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमसे पर उस मिस्टेक को हमें सुधारना पड़ेगा जल्दी, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखते हुए रविंद्र जडेजा। तो क्या आप सभी को लगता है चेन्नई सुपर किंग कैम बैक कर पाएगी, जरूर से कमेंट में बताइए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।